नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपोर्टर आनंद। वक्त है जिले की दिन भर की बड़ी खबरों का, लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को लाइक जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों आपको ये भी बताएंगे कि हमने एक अपना ब्लॉग चैनल शुरू किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अगर आप उससे ब्लॉग चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए नज़र डालते हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों पर। दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं कुंडा कोतवाली क्षेत्र से, जहां बेखौफ चोरों ने टाइनी का ताला तोड़कर उसमें रखी नकदी समेत लाखों रुपए का सामान उड़ा दिया। घटना की जानकारी सुबह दुकान पहुंचने पर हुई तो हड़कंप मच गया। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच कर रही है। कुंडा कोतवाली क्षेत्र के भावनगर सरियावा गाँव निवासी राम कुमार पुत्र छेदीलाल गाँव के चौराहे पर बैंक ऑफ बड़ौदा की टाइनी शाखा चलाता है। सोमवार की रात वह दुकान बंद कर घर चला गया। रात में चोर दुकान का ताला तोड़कर भीतर घुसे और दुकान में रखे 1,00,000 रुपए नकद, लैपटॉप आदि लाखों का सामान समेट ले। घटना की जानकारी सुबह दुकान पहुंचने पर हुई तो हड़कंप मच गया। यूपी 112 को फोन किया तो पुलिस पहुंची, लेकिन हल्का दरोगा और सिपाही को मौके पर जाने की फुर्सत नहीं थी, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश भी दिखा। पीड़ित ने मामले की तहरीर पुलिस को दी है। पुलिस मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कर रही है। तो मेरे जनसेवा केंद्र से एक डेस्कटॉप, 3 प्रिंटर ले गए हैं और बैंक ऑफ बड़ौदा की जो ट्रेनी है, ट्रेनी में 2 लैपटॉप था और 1,00,000 रुपए नकद रखा हुआ था और सीसीटीवी फुटेज को जो डीवीडी होता है उसको भी तोड़ उठा ले गया। पूरा जितना भी सामान था नगद कैश और लैपटॉप, दो उसमें से टेनिस चोरी हुआ है और मेरे जनसेवा केंद्र से एक डेस्कटॉप, 3 प्रिंटर और सीसीटीवी फुटेज का जो फुटेज का डीवीडी था उसको भी ले गए। मैं वो एसपी साहब, एसपी को कॉल किया था, उसके बाद 112 नंबर को कॉल किया था। 112 आई थी, देख कर गए हैं। कोतवाली फ़ोन किया, कोतवाली से सीओ साहब का नंबर लगाया तो वो बोले कि आकर सूचना देना कोतवाली में। और यहाँ पर कोतवाल साहब को फोन लगाया तो कोतवाल साहब ने कहा ठीक है, प्राथमिक पत्र आकर यहाँ दो कोतवाली में, उसके बाद आपकी सुनवाई की जाएगी। यहाँ ना तो हल्का सिपाही आया, ना हल्का दरोगा, कोई नहीं आया। अगली खबर लालगंज कोतवाली क्षेत्र से है, जहां जमीनी रंजिश में भतीजे ने चाचा को गोली मार दी। घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के कमौरा चौकी अंतर्गत भागीपुर गांव निवासी सूबेदार मिश्रा का अपने भतीजे से काफी समय से जमीनी विवाद चल रहा था। आज दोपहर में जमीनी विवाद को लेकर कहासुनी होने लगी। विवाद बढ़ा तो सूबेदार मिश्र के भतीजे ने ही उन्हें गोली मार दी। घायल सूबेदार को इलाज के लिए लालगंज सीएससी ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। पुलिस घटना की जांच कर रही है। पूरी घटना को लेकर क्या कहना है सीओ लालगंज का, आप भी सुनिए। कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि थाना लालगंज क्षेत्र में भागीपुर ग्राम में दो पक्षों में लड़ाई हुई थी। दो दिन पहले भी एक लड़ाई हुई थी, जिसमें से उनका मुकदमा लिखा गया था। उसी के पक्ष में दूसरे पक्ष का आज गुलर के पेड़ काट रहा था। उनका कहना है कि गुलर के पेड़ काटते समय हमारे ही पटदार संतोष मिश्रा ने और प्रदीप कुमार ने हम पे गोली चलाई है। उनके हाथ में गोली लगी है, उनको सीएससी अस्पताल भिजवाया गया है। उचित तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जा रही, थाना अध्यक्ष लालगंज को अवगत कराया गया है कि मौके पे शांति व्यवस्था कायम रहे, कार्रवाई हो रही है। घटना स्थल पर आप भी मौजूद थे, तो प्रथम दृष्टया क्या देखने को मिला? प्रथम दृष्टया अभी आपसी रंजिश है, इसके बारे में जानकारी हो रही है। जो मजरूब है अभी चोट लगने के कारण सही ढंग से कुछ बातें अपनी नहीं बता पा रहे हैं। अगली खबर नगर कोतवाली क्षेत्र से है, जहां पुलिस ने 23 ग्राम स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। नगर कोतवाली के एसआई पुष्पराज सिंह ने सोमवार शाम शहर के केपी कॉलेज के पास चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को 23 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। तलाशी में उसके पास से स्मैक बिक्री के 3,140 रुपए भी बरामद हुए। पकड़ा गया आरोपी शहर के सदर बाजार निवासी मुस्तकीम उर्फ इरफान बताया गया। पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट का मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। अगली खबर कंधई थाना क्षेत्र से है, जहां पुलिस ने अवैध तमंचा और कारतूस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। कंधई थाना क्षेत्र के अंधियारी बाग सिंगठी खालसा के पास चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक युवक को हिरासत में ले लिया। पकड़ा गया युवक सिंगठी खालसा गांव का अभय प्रताप सिंह पुत्र राजवीर है। पकड़े गए युवक के पास से पुलिस ने 12 बोर का तमंचा और कारतूस बरामद किया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ 3/25 आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।